من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. हर किस्म की तारीफ तौसीफ किब्रियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बे वाहिद के लिए जो हम सब का तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और पालनहार है, जिसने मुझे और आपको इंसान बनाया मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस जो रब का महबूब दीन है, दीन इस्लाम को सुनने समझने हत्तल मकदूर उस पर अमल की अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई। बादहु लकु का अनगिन दरूद व सलाम हो, रहमत कुल कायनात फख्र मौजूदात सरवर गिरामी इमाम अल अंबिया महबूब किबरिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सैयद उलद आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहरा और मुबारका पर, जो मेरे और आपके हकीकी मुख्तदा हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, इमाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी तारीफ और तौसीफ के बाद काबिल सदर एहतराम जी वकार मुअज्ज़ज़ उलमाए किराम जिम्मेदारान इज़ाम बुजुर्गों राह हक के नौजवान साथियों चमन रिसालत के शाही सिफत परवानों दुख्तरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल जलाल इकराम ने एक लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन जैसी कैफियतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको दोबारा अपने इस प्यारे घर में जमा होने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, दारैन की सआदतों से नेमतों से राहतों से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए, और जिन बुजुर्गों ने इस सिलसिले में कोशिश की है अल्लाह उनके मसाइए जमीला को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम हालात जो कुछ हैं किस जानिब जा रहे हैं, आए दिन उम्मती मुस्लिमा के ताल्लुक से कैसे कैसे हालात पेश आ रहे हैं। मैं और आप फिर भी सुकून में हैं, लेकिन आने वाले अय्याम में मेरे और आपके इस मासूम बच्चों का क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये फिक्र मुझे और आपको करना है। कुरान मजीद शाहिद अदल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबतुल्लाह को तामीर किया दुआ फरमाई, रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी वबनी अन नअबुदुल असनाम, मेरे रब मेरे इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से बचा। सोचो उस वक्त के हालात ज्यादा खतरनाक थे या आज के हालात ज्यादा हैं, सोचिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन हालात में एक सही फिक्र अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पैगाम दिया, लोगो सल्लल्लाहु अलैहि वलआफिया, लोगो माफी मांगते रहो, अल्लाह से आफियत चाहते रहो, फिर दुनिया दुनिया में भी वल आखिरा और आखिरत के बारे में भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई। वो दुआ की जरूरत मुझे और आपको बहुत ज्यादा है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे माफी चाहता हूं। क्योंकि जो मुसीबतें जो हालात जिस किस्म के मशाकिल जिस किस्म के हुक्मरान हम पर हैं या जो कुछ हालात बनते जा रहे हैं, इन हालात में ये हमारे आमाल का नतीजा है। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, ज़ाहर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, खुश्की में तरी में जो फसाद जो बिगाड़ आता है लोगों के आमाल का नतीजा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद पारा नंबर 20 के आखिरी सफे में यह सूरह अनकबूत आयत नंबर 40 में अल्लाह ने कहा, फकुल लन अखज़ना बिज़म्बिही,
हमने हर एक को उनके करतूत की बुनियाद पर पकड़ लिया। فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, इनमें से कुछ लोगों पर आसमान से संगबारी की गई, وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, किसी को हमने डुबो दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया किसी को चीख और पुकार के हवाले हमने बर्बाद किया, फिर अल्लाह ने एक आउटपुट दिया, वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने इनमें से किसी पर जुल्म नहीं किया। फिर कैसे ये कौमें बर्बाद हो गई, कैसे ये कौमें तबाह हो गई, अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने इन पे जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया। आज बिल्कुल ऐसे हालात, ये जो हालात बने हैं बन रहे हैं, बिजनेस के मामलात में हो, एजुकेशन के बारे में हो, 2021 की जो एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, मेरे और आपके बच्चों का तौहीद पे रहना मुश्किल। क्या पूछते हो ये जख्म कहां के हैं, अरे कुछ तो अपनों के दिए हुए और कुछ आसमां के हैं, यानी हमारे आमाल और फिर रब्बुल जलाल वल इकराम के फैसले। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह एक अच्छा पैगाम मैं देना चाहता हूं, इन हालात में हम अपने आप को कैसे सेफ कर रख सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो मैं दुआ बता रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, वो दुआ याद कीजिए, आप भी पढ़ते रहिए, अपने बीवी बच्चों को सिखा दीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्वा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, वल-आफियता, आफियत चाहता हूँ, फी दीनी मेरे दीन में, वो दुनिया आया मेरी दुनिया में, वो अहली मेरे बीवी बच्चों के मामले में, वो माली मेरे बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम मेरी आमदनी के जराए। अल्लाह मुझे सेव कर, मेरी बीवी बच्चों को सेव कर, मेरे बिजनेस के इसको सेव कर। कितने लोग हैं जो रोजी से आज भी महरूम है, और आने में साजिश भी हो रही है, अब तो जो बेचारे गल से आ गए फिर जा नहीं पाते। क्यों ऐसे हालात बनते जा रहे हैं दिन ब दिन, सोचो, और उसके लिए कैसे सेफ के जराए हैं, इंशाअल्लाह मैं बताना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्वा, ऐ अल्लाह माफी चाहता हूं, आफियत चाहता हूं, फी दीनी वो दुनिया आया मेरे दीन में मेरी दुनिया में, वो अहली मेरे बीवी बच्चों में, वो माली मेरे माल में, अल्लाहुम्मा स्तुर अवराती, अल्लाह मेरे अयूब को छुपा दे, वो आमीन रआती, खौफ हिरास में तू मेरी हिफाजत फरमा, अमन दे मुझे, अल्लाहुम्मा हाफिज़नी मिन बैनी यदैया, सामने से मेरी हिफाजत फरमा, व मिन खल्फी पीछे से मेरी हिफाजत फरमा, व अन यमीनी सीधे जाने से मेरी हिफाजत फरमा, व अन शिमाली दाएं जाने से मेरी हिफाजत, हर चार जानिब से मेरी हिफाजत फरमा। क्या आज जरूरत नहीं है इस दुआ की, यकीनन है। सोचो 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी को दुआ सिखाई, 1400 साल पहले। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावियां हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, या मोहम्मद, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सल्लैता, जब तुम नमाज पढ़ चुको ना, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, इज़ा सल्लैता, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, ये दुआ पढ़ते रहना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल अल-खैरात وترك المنكرات وحب المساكين ان تغفر لي وترحمني واذا اردت في عبادك فتنه فتوفني غير مفتونين। अल्लाह ताला नबी को दुआ सिखा रहा है, या मोहम्मद इजा सल्लैता, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, ये दुआ पढ़ना, फकुल तुम कहो, اللهم إني أسألك فعل الخيرات, أي الله مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, وترك المنكرات, غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت بھی نصیب فرما, وحب المساكين, اور مسکینوں سے محبت کرنے والا مجھے بنا دے, ان تغفر لي وترحمني, ان تین کاموں کے کرنے پر تو میری مغفرت بھی فرما, میری حالت پہ رحم بھی فرما, وَإِذَا أَرَدْتَ فِي عِبَادِكَ فِتْنَةً, جب تو اپنے بندوں کے اندر فتنے کا ارادہ کر دے, فتوفن
غیر مفتونین اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفات دے دے, فتنوں میں جینا مجھے منظور نہیں, فتنوں سے بچ کر کے مجھے مرنا منظور ہے. فتوفنی غیر مفتونین اللہ بغیر کسی فتنے کے مجھے وفات دے دے. سوچو اللہ کے نبی کو رب نے یہ دعا سکھائی, اور یہ دعا سیکھ لینا, یاد کر لینا, بیوی بچوں سب کو سکھا دینا یہ دعا. اب آئیے ان ساری چیزوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے, انشاءاللہ بتوفیق اللہ بتانے کی کوشش کروں گا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, مجھے کہنے زیادہ آپ کو سننے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید 12:14 سورہ نحل آیت نمبر 97 کو آج کے اس ٹاپک کا, آج کے اس خطاب کا عنوان بنایا ہے. اللہ کا فرمان ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی اچھے کام کرتا ہے, اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو اچھی زندگی دے دیں گے. رب مجھے اور آپ کو جینے کا ادھیکار دینا چاہے, کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی, ہٹا سکتی رب اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حوصلہ دینا چاہے, زندگی دینا چاہے. اور اللہ فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ضرور بضرور تم کو زندگی دیں گے. صرف زندگی نہیں, اللہ نے فرمایا حَيَاةً طَيِّبَةً, پاک زندگی, کراؤڈ سے پاک, ٹینشن فری لائف, عمدہ زندگی, عائش آرام والی زندگی, اچھی زندگی دیں گے. رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہے, میرے عمل میں کھوٹ سکتا ہے, آپ کے عمل میں کھوٹ ہو سکتا ہے, رب کے وعدہ جھوٹا نہیں ہے. رب ذوالجلال والاکرام اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں, اور آج کیا حالات ہیں, اللہ کا کرم ہے, بظاہر کرونا ایک خطرناک شکل میں آیا, لیکن جانتے ہیں امت مسلمہ خاص کر ہندی مسلمانوں کے لیے ایک راحت کا پیغام بھی تو لایا تھا. کیا پیغام لایا تھا؟ سی اے اے, این آر سی, جس پر 30 کروڑ ہندی مسلمان کافی پریشان تھے, ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, ہمارا لشکر غالب ہو کے رہے گا. اللہ کا یہ فرمان ہے نا, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے لوگوں کو اور ہندوستان کے لوگوں لگا دیا. آج بھی اسٹیٹمنٹ وہی آ رہا ہے نا, بھی کرونا کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا پوسٹ پون کیے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا خالق اور مالک, میرا اور آپ کا محافظ, وہ رب کا فیصلہ کتنا پیارا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کم سے کم ایک سال سکون سے جینے کے مواقع دے دیا, اور ابھی بھی میرے اور آپ کو چانس ہے کہ ہم زندگی سدھار لیں, اعمال کو سدھار لیں, اخلاق کو سدھار لیں, معاملات زندگی کو سدھار لیں, اپنے کردار کو سدھار لیں, اللہ اور اس کے رسول کے, اللہ کے حوالے ہو جائیں, اللہ کے دین کے تابع بن جائیں, انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو ہٹا نہیں پائے گی. یہ رب کا وعدہ قرآن میں ہے, اس بات کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے. اور یہ کوئی نیا یہ تو نہیں تھا نا جو این آر سی این پی آر, جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, 12:13 سورہ ابراہیم دوسرا رکوع, سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت والاکرام کا فرمان ہے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کس وقت, اس وقت کے پیغمبروں سے, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم ضرور بضرور تم کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے, او لتعودن فی ملتنا, یا ہماری ملت میں تم گم ہو کر کے رہ جاؤ, ہمارے طور طریقے کو اپنا کر کے رہ جاؤ, او لتعودن فی ملتنا. آج یہی تو دو باتیں, یا تو تم رہ جاؤ ہمارے ساتھ, ہمارے اس کو کلچر اور تہذیب کو سمجھ کر, یا نہیں تو نکل جاؤ, ہوتا ہے نہیں. اور یہ پہلا سوچا نہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, لیکن اللہ رب الجلال والاکرام ضرور بضرور جیسے انہوں کی حفاظت کی ہماری بھی حفاظت کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے نا.
तो आइए मैं उन्हीं चीजों की तरफ रहनुमाई कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ذکرن او انثا, जो भी अच्छे काम करता, अच्छे काम करने वाला मर्द हो या औरत, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, हम अच्छी जिंदगी दे देंगे, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, और उनके आमाल के बदौलत बेहतरीन से बेहतरीन बदला भी हम दे देंगे, अच्छी जिंदगी भी मिलेगी, अच्छे उसके नताइज और समरात भी आएंगे। अब आइए कुरान मजीद पर गौर करें। कुरान मजीद पन नंबर 11 का आखिरी सफा, सूरह हूद की आयत नंबर 4, हूद अलैहि सलात व सलाम अपनी कौम कौमे आद से कहते हैं, क्या कहते हैं, अन अंजिरो कौमकुम कौमे आद अन इस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, ओ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से बख्शिश तलब करो और अपने रब की तरफ रुजू हो जाओ, क्या होगा, يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, अल्लाह ताला तुम्हें फायदा उठाने के मौके दे देगा, तुम्हें फायदा उठाने के मौके दे देगा। आज है ना रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है, मईशत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, और सुकून को गर्द करने की कोशिश हो रही है, बच्चों से एजुकेशन छीन लिया गया, कॉलेज लाइसेंस, क्या क्या नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला युमत्तअकुम मतअन हसना, तुम्हें फायदा उठाने के मौके देगा और बेहतरीन मौके। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला इला अजलिन मुसम्मा, एक दिन, एक महीना, साल, दो साल नहीं, बल्कि वक्त अजल तक। कब, जब कौम अपनी गलती को गलती माने, जब कौम इस्तगफार करे, जब कौम अल्लाह के बारगाह की तरफ रुजू हो जाए, अपने आमाल पे नजर सानी करें, अल्लाह ताला उस वक्त कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ऐ ईमान वालों दोबारा अपने ईमान पे नजर सानी करो। ईमान तो लाए हो ना, इस खुशफहमी में मत रहो कि हम मुसलमान हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, नहीं, नजर सानी करो कि तुम्हारा ईमान कितने परसेंट का है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन हमसे ज्यादा साहिब ईमान, लेकिन फिर भी कितना डरते थे। कुरान में शाहिद अदल है ना, الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, जब सूरह मोमिनून पारा नंबर 18 की आयत नाजिल होगी, सिद्दीका कायनात अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन लोग मुराद हैं, वो ना जो गुनहगार हैं, वो ना जो खताकार हैं, वो ना जो दीगर बुराइयों में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिनते सिद्दीक, वो मुराद नहीं है, अल्लज़ीना यूतूना मा आतौ व कुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने जो कुछ दिया है, इनके दिल कांपते रहते हैं खर्च करते हुए। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ बिनते सिद्दीक, ऐ अबू बकर की बेटी, वो लोग मुराद हैं जो नमाज भी पढ़ेंगे, डरेंगे अल्लाह से, नहीं मालूम कि मेरी नमाज कबूल भी हुई क्या नहीं हुई, रोजा भी रखेंगे डरेंगे, जकात भी देंगे डरेंगे। आज कहां है भाई, नमाज पढ़े अल्लाह के वास्ते, कड़बी चुराए बैला के वास्ते। आज माशरे का हाल ये है, मस्जिद में तो माशाल्लाह, और मस्जिद के बाद बाबा ये मस्जिद नहीं है, ये बिजनेस है, मैं कमाने के लिए बैठा हूं नहीं। अरे जिस मस्जिद के अंदर जो हिदायत की बात हुई थी बाबा, वहीं पर तो अमली तौर ये करना है। सोचिए मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने ईमान दिया ना, और ईमान इतनी आसान चीज नहीं है। जो रब ने मुझे और आपको दौलत दी है, अल्लाह ने कहा ना, अलिफ लाम में महासिब अन्नास अय तुरकु अय यकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, अलिफ लाम में महासिब अन्नास, क्या लोग सोच रहे हैं, अय यकुलु आमन्ना के ईमान लाए, वहुम ला युफ्तनून, क्या फितनों में नहीं डाले जाएंगे, अल्लाह आजमाना चाहता है कि सच्चे ईमान वाले कौन है, फितनों के वक्त ईमान को बदलने वाले कौन है।
और बाबा जितनी तौहीद परस्तों पर, जितनी कुरान और हदीस के मतवालों पर मुसीबतें हैं ना, हर दौर में रही है। जितना ईमान के करीब होंगे उतनी मुसीबतें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इज़ा अहब्बल अब्द इब्तिलाहु, अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो आजमाएगा। सबसे ज्यादा आजमाइश नबियों पर आई, जैसे कि आज आपके लिए मसाइल हैं, अल्लाह ताला आसान फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए मेरे भाई, बिल्कुल सब्र सी बात के साथ रुजू अल्लाह के जरिए, दावत तबलीग के जरिए, रात की तारीकी में उठ उठकर अल्लाह से दुआएं गिड़गिड़ाते हुए, जितना हम अल्लाह से करीब हो जाएंगे अल्लाह की रहमत भी उतनी करीब हो जाएगी, और इतना इंशाअल्लाह मुहाफिज हो जाएगा। क्यों? अल्लाह का फरमान है ना कुरान मजीद पारा नंबर 4 रुकू नंबर 9 सूरह आले इमरान आयत नंबर 160, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करने पर आए तुम पर कोई गालिब आ नहीं सकता, वहीं यफ़ज़ुलकुम अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा करना चाहे तुम्हारी मदद छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, कौन है उसके फैसले के बाद तुम्हारी मदद करे, वअलल्लाह फलयतवक्कलुल मोमिनून, ईमान वाले तो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हैं। कुरान शाहिद अदल है ना, इब्राहिम कितने थे? 100 थे। कितने थे? 200। हाँ, जितने हुली के माशाल्लाह कितने थे? 1 थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? फत्तबिउ मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत की इत्तेबा करो, इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, बेशक इब्राहिम अपनी साथ में उम्मत थे। आज 170 करोड़ जो नहीं कर सकते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तने तनहा अल्लाह की जात पर ईमान रखते हुए किया। कुरान शाहिद अदल है ना, इन्नी वज्जातु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल-अर्ध हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं अपनी सारी की सारी एक्टिविटी, चाल और चलन, हरकत और सकनात, अपनी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक्सो हो करके, वन मैन हो करके, अकेला मैं, मेरा बाप बिरादरी कौम मां रिश्तेदार गांव वतन सब एक तरफ, अकेला मैं हनीफ एक्सो, वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। जो रब के लिए जीता है, रब के लिए मरता है, अल्लाह उसको हयात जावेदा अता करता है, रब तो उसकी हिफाजत करते हैं। और देखिए अल्लाह ताला का फरमान है ना कुदसी के बाद वाली आयत, वहां जो कौम कौम ने झगड़ा किया, हजरत इब्राहिम ने कहा तो हाजुन फिल्ला, मेरे भाई तुम्हारा मेरा क्या मसला है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, किसको क्या नुकसान पहुंचाया है, मैंने किससे क्या कोई काम किया है, अतुहाजून फिल्ला मेरे से झगड़ने का क्या मकसद है, अतुहाजून फिल्ला क्या अल्लाह के बारे में तुम मुझसे झगड़ रहे हो, वो कद हदान अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दिया, मैं तौहीद को मानता हूं, तुम शिर्क के पुजारी हो, मैं एक रब के मानने वाला हूं, तुम माबूदाने बातिना के परस्तार हो, मैं बाप दादाओं की रस्म और रिवाज को त्याग देता हूं, मैं एक रब की बारगाह में झुकता हूं, क्या इस जुर्म की बुनियाद पर तुम मुझे सजा देना चाहते हो, अतुहाजून फिल्ला वकद हदान वला अखाफु मा तुशरिकून बी, मैं तुम्हारे शरीकों से डरने वाला नहीं, इल्ला अन यशा रब्बी शैया, आज यही चीज आना है बस, मेरा रब जो चाहे, रब जिंदगी देना चाहता है कोई छीन नहीं पाएगा, रब माल देना चाहता है कोई नहीं छीन पाएगा, रब इज्जत देना चाहता है जलील कोई नहीं करेगा, रब ज़ुल्जलाल वल इकराम मुझे और आपको सुकून और इत्मीनान के साथ जीने के मौके देना चाहता है, कोई मेरे और आपके सुकून को दरहम बरहम नहीं कर सकता। आज हमारा ईमान इसमें डुलमुल है, आज हमारा ईकान कमजोर है, इब्राहिम बड़े पावरफुल थे, और इसीलिए ना देखा जालिमों ने कि राह हमवार हो चुकी है, इब्राहिम तो ये कहना है इल्ला इशारत भी शैया, चलो फोलिस हमारे पास है,
फोर्स हमारे पास है, हुक्मरान हमारे पास है, इसका बाप हमारे पास है, इसके फैमिली हमारे पास है, इसकी ब्रादरी हमारे पास है, इसके गांव हमारे पास है, ये इसका मुल्क हमारे पास है, और ये तो अकेला है ना। हर रिको अंसुरु आलिहतकुम, जला डालो, मार डालो। आज दुनिया में यही कुछ हो रहा है ना जगह जगह पर। लेकिन क्या है, कुरान क्या कहता है, वमा नकमु मिनहुम इल्ला युमिनु बिललाहिल अज़ीज़िल हमीद। इन बेचारों का एक ही जुर्म है, ये लोग ऐसे अल्लाह पर ईमान रखते हैं जो गालिब भी हैं, तारीफों के लायक भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी तो यही सजा देने की कोशिश की गई ना। अल्लामा इकबाल ने कितना प्यारा नक्शा खींचा, आग है इब्राहिम है नमरूद है, आग है इब्राहिम है नमरूद है, फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज भी नमरूद के चेले चपाटे हैं, आज भी आग भड़क रही है किसी ना किसी शक्ल में, और आज भी इब्राहिम जैसे मवाहिदीन की जरूरत है। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इस हकीकत को समझ जाएं कि रब जीने का मौका देना चाहिए। इल्ला इशा रब्बी शैया, दुनिया ने मिटाने पर तुले आई। हर कुवन सुरु आलिहतकुम, जिस आग से ये लोग जलाना चाहते हैं, रब्बुल जलाल वल इकराम के पास तो क्या क्या सिस्टम नहीं है। फोर्स उतार सकता था, फरिश्तों की टीम उतार सकता था जैसे बदर में उतारा, आसमान से बारिश बरसा सकता था जिस आग लगी हुई थी, हवाएं तेज चला सकता था जैसे कौम समूद वगैरह पर भेज कर दिया। अल्लाह ताला के पास बहुत सिस्टम है, लेकिन रब्बुल जलाल वल इकराम ने जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इल्ला यशा रब्बी शैया, रब ने भी यही कहा या ना रुकोनी, ए आग तुझी से जलाने का इन्होंने सोच लिया ना, मन बना लिया ना, तुझी के जरिए ये लोग इब्राहिम को बर्बाद करना चाहते हैं ना। या ना रुकोनी बर्दा, ए आग खबरदार तू ठंडी हो जा, वो सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए अमन सलामती का गहवारा बन जा। अल्लाह ने सिर्फ ठंडा नहीं किया, ठंडी भी ज्यादा इंसान को बर्दाश्त नहीं हो सकती, अल्लाह ने कहा अमन सलामती का गहवारा बन। तो आज भी अल्लाह ताला हमारा है, उस अल्लाह पर ईमान बस मजबूत मेरा और आपका होना चाहिए। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत करने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहां हुई, मूसा अलैहिस्सलाम कहां पले बड़े, फिरौन के दरबार में। फिरौन मूसा का दोस्त था नहीं था, वो तो दुश्मन था। अरे उसने उसी मूसा के लिए तो हजारों बनी इसराइल के बच्चों को मरवा डाला ना। यूं कत्ल के फिरौन बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझती। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह तबारक तआला ने अपने दोस्तों की परब दोस्त, अपने कलीम मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश भी की तो फिरौन के दरबार में की, और ऐसा नहीं कि उसकी हराम खोरी की वजह से, ये नहीं कि कोई और औरत ने दूध पिलाया। अल्लाह ने कहा वहर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने और औरतों के दूध को इन पे हराम कर दिया। फिरौन के दरबार में दूध पिलाने के लिए पहुंचने वाली अगर कोई थी तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ही थी। क्या वो रब मेरा और आपका नहीं है? वो रब मेरा और आपका है। क्या वो रब मेरा और आपका नहीं है जिन्होंने असहाबे कहफ कितने थे, कम से कम तीन, ज्यादा ज्यादा नौ, नौ से ज्यादा थे क्या शेख, हो सकता है कम से कम तीन, ज्यादा ज्यादा नौ। अल्लाहु अकबर। इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, वो चंद नौजवान ही तो थे जो ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया। तीन जालिम हुक्मरान चले गए, बाप चला गया, बेटा चला गया, पोता चला गया, 309 साल चले गए और असहाबे कहफ गार के अंदर आराम से पड़े रहे 309 साल तक। वो रब मेरा और आपका नहीं है? सूरह कहफ आज भी मुझे और आपको ये तालीम नहीं दे रहा? अरे असहाबे कहफ जैसा ईमान पैदा करो बाबा, असहाबे कहफ जैसे बनने की कोशिश करो,
कब तक मोबाइल की दुनिया में रहोगे, कब तक टीवी बीनी की दुनिया में रहोगे, और कब तक भूल भुलैया की दुनिया में रहोगे। असहाबे कहफ जैसा ईमान, अज़्म, हौसला, इनाबत इल्लाह का जज्बा पैदा कीजिए। तीन जालिम हुक्मरान चले गए, 300 साल चले गए, जब रब ने उठाया कम लबिस तुम, आंखें मसलते हुए कहने लगे लबिसना यौमन औ बाद यौम, एक दिन या एक रात या एक हिस्सा, रात या दिन का कोई हिस्सा। रब ने कहा नहीं, बल लबिस तुम सलास मियतिन सिनी नवजदादु तिसा, अरे 309 साल तक आराम करते रहे। तो हमारे ये लोग कब तक रहेंगे, कितने साल रहेंगे? अल्लाह मेरी और आपकी फसल नहीं कर पाएगा? करेगा, वही रब है, ज़ुल्कुव्वतिल मतीन है, वो मजबूत ताकत का मालिक है, उसकी ताकत का मुझे और आपको अंदाजा नहीं है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कोरोना पे कंट्रोल भी नहीं कर रहे थे कि कोरोना के गौर बाप आ गया, अब फिर कोई भाई आएगा, कोई मां आएगी, है ना। जब माशरे में बुराइयां जन्म लेती है ना, माशरे में बेहयाइयां जन्म लेती हैं, माशरा उर्यानियत का बाजार गर्म हो जाता है, माशरा अल्लाह को भूल करके मनमानी करने लगता है। अल्लाह के नबी ने क्या वार्निंग दिया था, ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जिसका नाम तुम्हारे आबा और अजदाद ने नहीं सुना था। जुकाम आज भी है, कल भी था, जब तक पैसे आ रहे थे तो सबको ले जाने जाकर डाल रहे थे, अभी कोई भी नहीं डाल रहा है ना। तो रब मेरा और आपका महाफिज, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह मदद करना चाहे, इब्राहिम की आग में मदद हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन के दरबार में मदद हुई, असहाबे कहफ की गार के अंदर मदद हुई, वो रब मेरा और आपका है। उस रब के कानून को मैं और आपका माकूल समझे नहीं, उस रब के कानून पर अल्लाह यूं ही मदद करेगा, अरे मुसलमान है भाई, मुसलमान के औलाद है, मदद करेगा? रब ने शर्त लगाई, रब ने शर्त लगाई, मदद चाहते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह बाद में मदद करेगा, पहले मुझे और आपको मदद करना है। क्यों भाई, अल्लाह कमजोर है? अल्लाह कमजोर है? नहीं, अल्लाह ज़ुल्कुव्वतिल मतीन है, मजबूत ताकत का मालिक है। अल्लाह फ़ालुल लिमा युरीद है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, किसी बड़े भारी फोर्स की जरूरत नहीं। इधर अबू तालिब ने गला पे काबा पकड़कर दुआ किया है, काबे के रब काबा मेरा नहीं है, मैं तेरे काबा का खादिम हूं, अकेला हूं मक्का का, सारा मक्का खाली हो चुका है, मेरी बस की बात नहीं है कि इस 10,000 के लश्कर को मैं क्या बचा सकता हूं तेरे काबा को, एक काबे के रब अपने काबा की हिफाजत कर ले। वो दम था, अल्लाह ताला ने अबू तालिब की दुआ को सुन लिया। क्या अल्लाह तबारक तआला की फरियाद को सुन करके वादी मुहस्सर, अभी काबा के आने से पहले ही वादी मुहस्सर के अंदर मीना की सरजमीन में 10,000 के लश्कर को निस्त नाबूद करने के लिए अल्लाह ने क्या किया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि असहाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। क्या आज भी सूरह फील मुझे और आपको यह दावत नहीं दे रही? चिड़िया जैसे छोटे छोटे परिंदे जिनके दांतों, जिनके चोचों में जारी के दाने के बराबर, और जिस पर फायर करते थे बस वहीं पर उनकी डेड बॉडी ढेर के ढेर हो जाती थी। एक अबू तालिब, अब वो ईमान वाले थे नहीं थे, मुवाहिद थे फला, वो उस बहस में नहीं पड़ना है, लेकिन आवाज असरदार थी नहीं थी? आज हमारी आवाज बेअसर है, हमारी दुआएं बेअसर हैं, आज हमारी इबादतें बेअसर हैं, अरे वैसा असर पैदा करो फिर देखो। जाहिद शब बेदार बन जाओ, रात में आराम कम करो, अपने लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, कौम मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए रात की तारीख में उठ करके अल्लाह को गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को राजी करो, दो आंसू बहाओ जिंदगी भर रोने के बजाय, जिंदगी में रिजिल्लत और रुसवाई का सामना करने के बजाय। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े मारके कैसे हल किए, कायनात सोती थी, कायनात सोती थी,
इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम रात की तारीकी में उठ करके दुआएं करते थे, दिन की सफेदी में आपका बदतरीन दुश्मन काबतुल्लाह पे बाबू सलाम पे बैठ करके नबी का इंतजार करता था कि मोहम्मद कब आ रहे हैं, ऐ ना मोहम्मद कहां है मोहम्मद। अल्लाह के नबी उसी दरवाजे से आते थे जाते थे, हर खेत को देख सकता था लेकिन नबी रहमत को नहीं देख पाता था। अल्लाह के नबी को खबर है कि अबू जहल दिन की सफेदी में आपके कत्ल के मंसूबे बना रहा है। इमाम कायनात जब अभी नमाज फर्ज नहीं भी थी, जब आपके ऊपर कोई ऐसे कोई फराइज आयद नहीं में थे, रात की तारीकी में जब सारा मक्का सोता था, अल्लाह के नबी रात की तारीकी में उठ करके रब को मनवाते थे, कहते थे اللهم أيد الإسلام بأمرين, اے اللہ یہ دو عمر, عمر ابن ہشام ابو جہل, عمر ابن خطاب, یہ دونوں کے دونوں اللہ, یہ صرف دو ہیں, ये दो है। और पूरे मक्का वालों को यह रवान बना दिया अल्लाह, यक्का मक्का वालों के लिए दावत में रुकावट का जरिया बने हुए अल्लाह, अल्लाह मायद इस्लाम अब अमरैन, अल्लाह इन दो अमर में से किसी एक अमर को इस्लाम के लिए चुन ले अल्लाह। आज भी क्या नारा है, हम दो हमारे दो। अरे नहीं पढ़ा अखबार में, अखबार में नहीं पढ़ा आपने, हम दो हमारे दो, बाद में बताता हूं मैं हम दो हमारे दो कौन है बल्कि आपने पढ़ा नहीं अखबार में, बहस आई बहुत ज्यादा, अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह रहम फरमा। सोचो तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के, अरे उठो भाई कब तक गफलत में रहोगे, कब तक ख्वाब गफलत का लुबादा ओढ़ोगे, कब तक ऐसे हालात, ऐसे कुछ भी है मेरे और आपके मुकद्दर को, मेरे और आपके नसीबे को कोई छीन नहीं सकता। देखो ऐसा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह का वरना उसी सूरे के अंदर आयत नंबर 7 में अल्लाह ने कहा अगर तुम मदद चाहते हो पहले अल्लाह की मदद के लिए तैयार हो जाओ। उसी सूरत की आखिरी आयत में सूरे मोहम्मद पारा नंबर 26 की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया वा इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम हमारी शरीयत से मुंह मोड़ लोगे, हमारे अहकाम से रुगर्दानी इख्तियार करोगे, हमारे कानून को छोड़ दोगे, अल्लाह तुमको बदलकर दूसरी कौम को लाएगा। उसी सूरे मोहम्मद पारा नंबर 26 की आखिरी आयत में अल्लाह का, और अल्लाह ने यह भी कहा वो तुम जैसे नहीं होंगी, वो तुम जैसे नहीं होंगे, उनके आमाल, उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके मामला तुम जैसे नहीं होंगे। हो सकता है अल्लाह ताला ये कचरा छपरा साफ करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने उनको मुसल्लत किया। अल्लाह ने कुरान में चैलेंज किया ना, या अय्युह लदीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी, ऐ ईमान वालो जो हमारे दीन से तुम में से कोई शख्स मुर्तद होना चाहता है, छोड़ना चाहता है, छोड़ दे, हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, तुम्हारी दुआओं के मोहताज नहीं है, तुम्हारी इबादतों के मोहताज नहीं है, तुम्हारे नमाज रोजे के हम मोहताज नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनी, तुम में से जो शख्स दीन से मुर्तद होना चाहता है हो जाए, फसौफा यातिल्ला अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बुना अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत कर रही होगी। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, वो मोमिनों के लिए बड़े नरम। आज कहां है जी मुसलमाना, मुसलमाना को देखो तो सलाम अलैकुम, हमें जा रहे 5-6 लोग ठेर को हंस रहे कर रहे, आज मुसलमानों को देखे तो फिर अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजेगा, क्या जालिमों को मुसल्लत करेगा? हाँ फिर सोचो अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम दीन से मुर्तद होना चाहते, दीन को छोड़ना चाहते, छोड़ दो, फसौफा यातिल्ला अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा, युहिब्बुहुम युहिब्बुना वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहे होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा होगा, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह अज़िल्लतिन अल मोमिनीन वो मोमिनों के ताल्लुक से बड़े सॉफ्ट, अइज़्ज़तिन अल काफिरीन वो काफिरों के लिए बड़े भारी, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहे होंगे, वला यखाफूना लौमत लाइम किसी मलामत करने वाले की मलामत की कोई परवाह नहीं करेंगे। अल्लाह ने चैलेंज दिया, आज क्या है हालात मेरे भाइयों, हालात पर बहुत बोल सकता हूं लेकिन
सिर्फ मैं समझता हूँ 7-8 मिनट टाइम है, 2-4 जराए मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। एक तो हुस्न अमल के जरिए अल्लाह ने गारंटी दी है ना, एक बात अच्छे अमल करो, अच्छे अखलाक पैदा करो, अच्छा लोगों के साथ बर्ताव, हत्ता के गैरों के साथ भी इस वक्त एक अमली मुसलमान बन करके जियो। मामलात में, किरदार में, अखलाक में बैत पे जा रहे हैं, अरे मेरे और आपके नबी अपनी मुबारक पीठ पे बोझ उठाए भाई, आज बैत में किसी को बिठा लेने में क्या शर्म है, क्या शर्म है। अरे हम उस सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला जिनसे मिलने के लिए एक शख्स आता है और कहता है कहां जा रहे हो, कहा इस मुल्क के गवर्नर सलमान फारसी से मिलने जा रहा हूं, तो कहा चलो मैं चलता हूं तुमको सलमान से मिला देता हूं, हालांकि वो सलमान फारसी ही थे, मुल्क के गवर्नर थे। अल्लाह अकबर। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, मौलाना सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह, जब एक पड़ोसी मुल्क के कुछ तलबा ने कहा कि हम आपसे हदीस सीखने के लिए आ रहे हैं, तो कहा आइए, कहां पे आना है, दिल्ली स्टेशन पर आइए, ट्रेन के जरिए जब आएंगे वहां एक कूली मिलेगा, आप किससे आ रहे, फला ट्रेन से, फला टाइम पर पहुंच रहे हैं, एक कूली की शक्ल में वक्त के शेखुल अरब वल अजम, अरब और अजम के सबसे बड़े मुहद्दिस सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी तालिबान उलूम नबविया के इस्तकबाल के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आज हमको शर्म आती है किसी आलिम के साथ बात करने पे, आज हमको शर्म आती है किसी आलिम को अपने घर ले जाने पे, बुरा मत मानिए, है या नहीं आज। और सोचिए मेरे नौजवान साथियों, गर्मी का महीना आ रहा है, कभी निकलते निकलते मुस्लिम गैर मुस्लिम आप ये मत देखिए, बल्कि इंसानियत के लिए मोहसिन इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी को कि अल्लाह के नबी उस बुढ़िया जो बुढ़िया औरत आपके किरदार कशी पर आमादा थी, आपको बुरा भला कह रही थी, आपको गाली कोस रही थी, आपको ऐसे वैसे अल्फाज कह रही थी, और अल्लाह के नबी सब्र तहम्मुल का पहाड़ बनकर बुढ़िया को मंजिल मकसूद तक पहुंचाते, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कचरा फेंकना छोड़ दिया, गंदगी फेंकना छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने पूछा वो औरत का क्या हाल है, क्यों उसकी मां, अल्लाह साहब करम का छोड़ दो, अल्लाह के नबी बीमार चल रही है, अल्लाह करे मर जाए वो ताकि हमेशा के लिए फिरता। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, मैं दीन रहमत लेकर आया हूं, चलो उसके घर पर। अरे कचरा फेंकने वाली एक दो दिन कचरा नहीं फेंकी तो अल्लाह के नबी गए, आज किसी मरीज की आदत के लिए मैं और आप हॉस्पिटल तक नहीं जाते। सोचो हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनके बारे में कहा वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। आज कहा है जी, अपने चपने को टेंशन दे रहे हैं, अपने चपने के पीछे बैठे हैं, क्या है हला बोल नहीं सकता वक्त इस बात की, जाने इधर से 5 मिनट और बाकी है। 2-3 बातें, एक तो हुस्न अमल हुस्न अखलाक के जरिए, और दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान मजीद पारा नंबर 9 सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला मा यफअलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जिस कौम में प्यारे नबी आप मौजूद हैं। जामे तिर्मिज़ी के हदीस, अल्लाह के नबी से फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए दो अमल के ज़राए, मेरा अपना वजूद, दूसरा उनका अपना अमल, और अल्लाह ने भी यही कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जिस कौम में प्यारे नबी आप मौजूद हैं। ये ऑप्शन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी आने वाले नहीं। लेकिन उसी आयत शरीफा में अल्लाह ने यह पैगाम भी तो रखा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जो कौम इस्तग़फार करेगी। आज मोबाइल रात रात दर 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 2 बजे तक टॉकिंग टक, हाँ टिकटॉक ये वो सब देखने को बैठ को भी, सुबह की नमाज छोड़ करके भी आज हमको इस्तग़फार किया मैंने और आपने, झूठ बोल करके इस्तग़फार किया, गालियां देके धोखा देके इस्तग़फार किया। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुहद्दिसीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं वल्लाह इन्नी लास्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह अक्सर मिन 70 मर्रा, लोगों अल्लाह की कसम मैं रोजाना
दिन में 70 से ज़ायद दफे अपने रब से बख्शिश भी मांगता हूं और तौबा भी करता हूं। 70 से ज़ायद दफे मेरे और आपके प्यारे पैगंबर, मैं और आप 5 दफे भी सच्चे दिल से अगर अल्लाह से माफी मांग ले, शायद मेरा और आपका रब मुझ पर और आप पर मेहरबान हो जाए। इस्तग़फ़ार से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह उस कौम को अजाब नहीं देगा जो कौम इस्तग़फ़ार करेगी। और इसके अलावा इस्तग़फ़ार के बारे में बहुत सारी दलीलें हैं, हमारे शेख वगैरह भी अपनी किताबों लिखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। पता है वक्त इस बात के सिर्फ 2 मिनट बाकी है। सोचिए इस्तग़फ़ार, अल्लाह ने अपने नबी को कहा وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ। ओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो रब्बी गफिर वरहम, मेरे रब मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, तू बेहतरीन रहम करने वाला है। अल्लाह अपने नबी को दुआ सिखाया जी कुरान मजीद में। मैं और आप भी ये दुआ चलते फिरते रब्बी गफिर वरहम, रब्बी गफिर वरहम, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ पढ़ते भी आना चाहिए। दूसरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कान अल्लाह युअज़्ज़िब, अल्लाह ताला ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा। इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजारी के मादा तुम्हारे अंदर आ जाए। शुक्रगुजार हर एक दो कैसे सब नहीं क्या मोली साहब कहीं का छोड़ो हालात नहीं बिजनेस डल कब तक ये टेढ़े मेढ़े मुंडिया कब तक ये ऐसे हर हाल में राजी बरजा हो, हर हाल में राजी बरजा हो, दुनिया ही में बैठ के जन्नत का मजा देख। रब रोजाना बिरयानी खिलाता अगर आज रोटी खिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा कर, नहीं भी खिला रहा शुक्र अदा करे, ना शुक्र मत बने। अल्लाह फरमाते मा यफ़अलुल्लाह, अल्लाह अजाब देके क्या करेगा। मा यफ़अलुल्लाह बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देके क्या करेगा। इन शकरतुम, अगर तुम्हारे अंदर शुक्र का मादा आ जाए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। तीसरी चीज सब्र, सब्र हर इंसान के साथ। नबियों के पास आजमाइश है, सबसे ज्यादा आजमाइश है सहाबा पर आजमाइश है ना, जैसे आज हमारी जमात के लिए आजमाइश का घड़ी है। अल्लाह ताला हमारी जमात की हिफाजत फरमाए, हमारे जमात के जिम्मेदारों के अल्लाह ताला अज़ाइन को मजबूत फरमाए, आप नौजवानों के अज़ाइन को अल्लाह ताला मजबूत फरमाए, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए मेरे भाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं बला इन तस्बिरु व तत्तकु, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सबर करोगे और रब से डरोगे, रब से डरोगे। ला यज़ुरुकुम कैदुम शैया, इनका मकर और फरेब तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह कह रहा है सबर करो, अल्लाह से डरो। ला यज़ुरुकुम कैदुम शैया, इनका मकर और फरेब कुछ नहीं कर सकता। लाख मेरे और आपके बारे में ये आज की प्लानिंग नहीं है। अल्लाह 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के बारे में प्लानिंग हुई थी, और प्लानिंग हरम मुबारक में हुई थी, हतीम के दीवार पे लग करके बैठ करके प्लानिंग भी थी, काबतुल्लाह के अंदर नबी के बारे में प्लानिंग हो रही है। इज यमकुरु बिकल लदीन कफरु लियुथबितुका औ यक्तुलूका औ यखरुजूक, के लोग आपके बारे में मंसूबा कर रहे हैं कि मोहम्मद को रहने दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से भगा दें, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हें कत्ल कर दें। वो यमकुरु व यमकुरुल्लाह, एक चाल ये लोग चल रहे ना, ये लोग प्लानिंग हो रही है ना, वो यमकुरुल्लाह। अरे मेरा और आपका ईमान है भाई, गैरों का ईमान है क्या? अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, उनको किसी स्वामी ने बताया है क्या? नहीं बताया। हम बताते ना मौलवी लोग, कुरान में है अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो सीनों के भेद को जानता है, वो अपनों को जानता है, वो पराइयों को जानता है, वो नेक लोगों को भी जानता है, वो बदनीयती वालों को भी जानता है। हम ईमान वाले हैं साहब। अरे उस अल्लाह से मेरा और आपका ताल्लुक, अल्लाह मुझे भी जानता है, उनको भी जानता है ना, तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक अगर कायम हो जाए इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वो यमकुरून व यमकुरुल्लाह, ये लोग भी चाल चल रहे, अल्लाह भी चाल चल रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन प्लानर है, बेहतरीन मनसूबा साज है।
अल्लाह जरूर हिफाजत कर। मैंने दो चार वाकयात भी नमोज़ज के तौर पर बता दिए, वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता जो वक्त मुझे दिया गया था, क्योंकि 8 बजे अज़ा होने वाली है। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी बाकी रही और आप भाइयों ने की मोहब्बत वैसे भी हमेशा रही, इंशाल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे के जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सेटअप किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान होने के नाते मेरे और आपके अंदर जो कमी अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह मेरे और आपके हमें खैर के फैसले फरमाए। अल्लाह हर शर से मेरी और आपकी कौम की जमात की मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके जो भी नेक इरादे अल्लाह पूरा फरमाए, मेरी और आपकी राहों में जो रुकावट अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह ताला बिलखसूस हमारी जमात के इस मसले पर अल्लाह तबारक ताला अब्दुल्ला बिन जदान नबी के दौर में जिस वक्त काबा के गिलाफ के पीछे या काबा के गिलाफ पर एक वसीका लटकाया गया था और अब्दुल्ला बिन जदान पहले आदमी थे कुफार मक्का के सफ में से, और जाकर के उन्होंने उस वसीके को फाड़ दिया था। अल्लाह करे फिर हमारे लिए भी कोई अब्दुल्ला बिन जदान पैदा हो जाए, हमारी सफों में भी कोई अल्लाह अब्दुल्ला बिन जदान पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला फिर हमारे लिए भी कोई ऐसी टीम पैदा फरमा दे, हमारी जमात के लिए अल्लाह ताला पैदा फरमा दे, इसलिए कि हम अल्लाह के दीन के मानने वाले हैं और खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले। यकीनन अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला मुझे मेरी और आपकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे और आपके मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारी और आपके तहजीब की हिफाजत फरमाए, हमारे मासूम बच्चे जो 1 साल से तरबियत से महरूम है, तालीम से महरूम है, अल्लाह जल्द उनके लिए तालीम के मौके नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला कोरोना जैसे वबा को अल्लाह ताला दूर फरमा दे और उन दुश्मनों की तरफ अल्लाह ताला फेर दे जो दीन के बागी हैं, जो इस्लाम के लिए रुकावट का जरिया बने। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे स्टेट की हिफाजत फरमाए, हम सब की फैमिलीज की हिफाजत फरमाए, नेक और एक बनाए। अल्लाह ताला जालिमों के जुल्म शरीर को शरारत हसदीन के हसस से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो भी हमें बीमार है, जहाँ भी बीमार है अल्लाह शिफा दे, जिनके भी जो भी नेक इरादे अल्लाह पूरा फरमाए। रब्बना तकब्बल, जिनके भी माए बहें बहें बहनें अजीज़ व अकारिब और इस मस्जिद के कभी जिम्मेदार रहे अफराद, इस मस्जिद के अंदर कभी खिदमत करने वाले अफराद जो बेचारे आज नहीं है कब्र के आगोश पहुँच गए, अल्लाह ताला उन सारे खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम उलमाओं की जो भी सरपरस्ती करते रहते अल्लाह ताला उनके कारोबार में दीन ईमान में खैर बरकत फरमाए। अल्लाह आपकी जमात को हरा भरा रखे, हशाश बशाश रखे, आपके हमारे नेक इरादों को पूरा फरमाए। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।